हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बाजरे की रोटी की रेसिपी। इसे गुजरात में रोटला भी कहा जाता है और इसे सर्दियों में वहाँ पर स्टेपल फूड की तरह खाया भी जाता है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और ग्लूटेन फ्री भी है, जिसे ग्लूटेन नहीं चलता है उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। बिगनर्स जिसको नहीं आता है रोटला बनाने, उसके लिए भी बहुत परफेक्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स देख लेंगे। एक कप अगर आप बाजरे का आटा ले रहे हो तो हाफ कप मैंने पानी ले लिया है और मैंने ले लिया है नमक स्वाद के अनुसार। उबल जाए यानी बुलबुले आ जाए उसके बाद मैंने एक कप बाजरे का आटा ले लिया है। मतलब एक कप बाजरे का आटा और हाफ कप पानी का मेजरमेंट आपको याद रखना है। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को, गैस ऑफ कर दिया है अभी, और इसे ढक करके मुझे 5 से 7 मिनट तक रख लेना है। इसमें जो आपको लग रहा होगा ये पाउडर है या फिर पानी बहुत कम है, तो वैसा नहीं होता है। आप ढक करके रख दीजिए, जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है आटे में। आप जब भी बांधोगे तो अच्छी तरीके से जो आटा है वो बंध जाएगा। अगर आपको थोड़ा पानी कम लगता हो तो थोड़े थोड़े छींटे मार के आप आटा जो है वो एकदम मुलायम गूंध लीजिए। एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम रोटी का आटा गूंधते हैं बस उसी तरीके से आपको गूंध लेना है। थोड़ा सा रोटी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट होगा और एकदम चिकना कर देना है। यूजुअली बाजरे में ग्लूटेन नहीं होता है, इसीलिए जो क्रैक्स हो जाते हैं साइड से या फिर हो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को, वो नहीं आएगा। अगर आप एकदम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक जो आटा है उसे मलते रहोगे, गूंथते रहोगे, तो बहुत अच्छा आटा बन जाएगा। देखिए, इस तरीके का स्मूथ और सिल्की आटा बन जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए आटे में, इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब मैंने एक लोई ले ली है, अगर आप बिगनर हो तो थोड़ी छोटी लोई ले लेना। अब मैंने बड़ी सी लोई ले ली है और आपको जितना पसंद हो उतना थिकनेस और बड़ा जो है रोटी आप बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ की एक रोटी बना ली है, नॉर्मल थिकनेस रखा है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बहुत जाड़ी नहीं। और अभी मैंने इसे गरम तवे पे रख दिया है। ऊपर की साइड पर मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी लगा लूँगी। अच्छी तरीके से पूरे साइड पर हाथों से आपको पानी लगा लेना है। अगर आपको हाथों से गर्म लगता हो तो ब्रश की सहायता से आप पानी जो है लगा सकते हो। अब मैंने टर्न कर दिया, जब पूरा पानी ऊपर का सूख जाए उसके बाद आप टर्न कर लीजिए। जो पानी का साइड है वो पूरी तरीके से आपको पका लेना है और उसके बाद आपको इसे डायरेक्टली फ्लेम पर गैस पर रख देना है। देखिए, इस तरीके से ये फूल जाएगी। भले ही आपकी रोटी पतली हो फिर भी वो फूलेगी, बहुत अच्छी रोटी बनेगी और इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। भले आप बिगनर हो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है रोटी बन जाएगी और इसे स्पेशली बैगन के भरते या फिर कढ़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। ऊपर अच्छे से घी लगा लीजिए और रेडी है हमारे बाजरे की रोटली। अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी।